गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकास परियोजना में लेट लतीफी भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं। बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कपिलवस्तु पर्यटन विकास कार्य में लेट लतीफी पर जताई नाखुशी। पीएम आवास, सीएम आवास और शौचालयों की जियो टैगिंग कराने और किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान सरकार की है प्राथमिकता। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष रिपोर्ट। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चौरी चौरा तहसील में संपन्न हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस। लॉकडाउन के बाद पहली बार आयोजित तहसील दिवस में आए कुल 66 मामले में से 10 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। सक्रिय अंतरराज्यीय शातिर मोबाइल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गोरखनाथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से 24 एंड्रॉइड मोबाइल फोन सहित एक अवैध तमंचा और एक धारदार हथियार किया बरामद, भेजा जेल। उच्च न्यायालय के पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी ने कोविड 19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु अग्रिम आदेशों तक जनपद के समस्त बार, रेस्टोरेंट व कैफे में हुक्का सेवा को तत्कालिक प्रभाव से किया प्रतिबंधित। एडीएम सिटी ने दी जानकारी, कहा आदेशों के उल्लंघन पर होगी कठोर वैधानिक कार्रवाई। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ बाल श्रम एवं किशोर श्रम प्रतिषेध की बैठक। सीजीओ ने कहा, शासन की योजनाओं को संचालित कर जिले को बनाए बाल श्रम मुक्त जिला। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यकारिणी समिति के आहूत की गई 12वीं बैठक। शोक प्रस्ताव किया गया पारित। 2 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पहली बार महवा मंडी में आयोजित हुए संपूर्ण तहसील समाधान दिवस। एडीएम सदर ने कहा, अधिकतर आए भूमि विवाद संबंधित मामले, किया गया निस्तारण। कैंट पुलिस ने एक शातिर अपराधी को अवैध तमंचा के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस टीम ने जालसाजी के 28,600 रुपए बरामद कर भेजा जेल। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने दी जानकारी। लॉकडाउन के बाद पहली बार आए आलू प्याज के दामों में उछाल, नागरिक हुए परेशान। व्यापारियों ने कहा, एक्सपोर्ट टैक्स के हटाने से कीमतों में आएगी गिरावट, लोगों को मिलेगी राहत। रेलवे के निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, रेलवे के निजीकरण पर लगे रोक। निशा समुदाय को अनुसूचित जाति के समान आरक्षण देने की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपा ज्ञापन, आरक्षण देने की मांग। एसएसपी जोगिंदर कुमार द्वारा चिलुआ ताल थाने का किया गया औचक निरीक्षण। कार्यालय में रखी गई फाइलों के रख रखाव और साफ सफाई का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में मंगलवार को कोरोना के मिले 189 नए संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 13,228, एक्टिव मरीज हुए 2,849। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कोरोना महामारी के बीच जीवीकी कंपनी की ओर से 16 अक्टूबर को सेवा समाप्त किए जाने पर नौकरी की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी। महिला कांग्रेस के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस पार्टी में ही महिलाओं का है सम्मान। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबारियों पर अभियान चलाकर की ताबड़तोड़ छापेमारी। 55 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 4 कुंतल लहन को किया नष्ट। तोड़ी दारू की भट्टियां, 2 को लिया हिरासत में। आबकारी निरीक्षक ने कहा, अभियान निरंतर रहेगा जारी। और मंगलवार को हुई बारिश से महवा मंडी में हुआ जलभराव, व्यापारियों सहित ग्राहकों को उठानी पड़ी दिक्कत।